ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। क्या है आज की खबर? आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 18 आपके पुनीत के साथ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ब्रिक्स समिट की। ब्रिक्स समिट हो गया और ब्रिक्स समिट होने के बाद अब बयान जो आए, प्रधानमंत्री का जो बयान आया, और उसके बाद क्या कुछ हो रहा है, क्या चर्चाएं हो रही हैं, क्या एक्सपर्ट कह रहे हैं, क्या खबरें सामने आ रही हैं, इन सब पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा और भी कई मसले होंगे जिस पर आज हम प्रकाश डालने वाले हैं, लेकिन इसके लिए हम करेंगे चर्चा। और चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी आनंद। तो सीधे आनंद के पास चलते हैं और समझते हैं ब्रिक्स समिट इस बार क्यों खास रहा, क्या उसकी खूबियां रहीं, समिट में क्या कुछ बातचीत हुई, प्रधानमंत्री के बयान के मायने क्या हैं। आनंद, देखिए सबसे पहले तो ध्यान हम लोग को देना होगा कि ये ब्रिक्स समिट हुआ कहाँ है। जी, ब्रिक्स समिट हुआ है जहाँ पर 2.5 सालों से जंग चल रही है, ठीक, रूस में, और रूस के कजान शहर में ये बैठक हुई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि युद्ध के बीच इतना बड़ा बैठक किया गया जिसमें कई देश शामिल हुए। खास बात तो हम लोग फोकस इस बात पर करेंगे कि भारत, पाकिस्तान और चीन, है ना, क्योंकि इसलिए करूँगा क्योंकि भारत पाकिस्तान के लिए ये बीते 2 दिन बहुत अहम था। अहम इसलिए था क्योंकि ये जो बैठक हुई है, द्विपक्षीय बैठक, मतलब ब्रिक्स समिट जो हुई है वो हुई है बहुत लंबे, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत लंबे वक्त के बाद, लंबे वक्फे के बाद दोनों राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय बातचीत करने के लिए बैठे हैं, वो भी तब जब ब्रिक्स सम्मेलन में शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे थे, उसके पहले समझौता हुआ गलवान और जो सीमा है उसको लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये जो बैठक हुई है द्विपक्षीय बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ, ये 5 साल बाद हुई है। ठीक है, हर साल ब्रिक्स की बैठक होती है, मैं बताना चाहता हूँ कि हर साल ब्रिक्स की बैठक होती है, लेकिन ये बैठक 5 साल बाद द्विपक्षीय बैठक जो हुई है चीन के साथ हुई है। और ये बैठक में खास करके ये भी ध्यान देना होगा कि ये बैठक 55 मिनट तक चली, कुल 55 मिनट बैठक चली, और इसमें बहुत भारत और चीन की जो संबंध है उस संबंध को लेकर के जितने भी टॉपिक थे, सीमा विवाद, व्यापार, सारे चीज़ों पर फोकस किया गया है। खास करके सीमा विवाद पर अधिक फोकस किया गया क्योंकि 2020 में गलवान वाला जो मामला था उस मामले पे प्रधानमंत्री ने भी जोर दिया और उन्होंने कहा कि अगर चीन से मेरी, चीन ने अगर ये प्रस्ताव तो दोनों तरफ से हुई है कि भाई पेट्रोलिंग होगी और दोनों देशों के जो सेना है वो पीछे हटेंगे, और तो लेकिन अब इस पे पीएम मोदी ने इस बात, इस सहमति को स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि ठीक है, ये चीन का मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन जो विश्वास है उस पर बने रहना चाहिए। जो प्रधानमंत्री ने कहा, देखिए उसके दो मायने भी हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि ब्रिक्स जो समूह है इसमें शामिल होने को लेकर, इसमें सदस्यों को शामिल करने को लेकर भी 2 प्रकार की राय सामने आई हैं, जिसमें एक तरफ प्रधानमंत्री की तरफ से कुल मिलाकर ये इशारा किया गया कि ब्रिक्स में तो बहुत सारे देश शामिल होना चाहते हैं, लेकिन हमको भी तो सोच समझकर, ऐसा नहीं कि आओ तो वेलकम। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने यही कहा कि आओ तो वेलकम वाली बात ना हो, हमको सोच समझकर और सभी सहयोगी जो हमारे ब्रिक्स के सहयोगी हैं उनका सम्मान करते हुए इस पर ध्यान देना चाहिए। अब ये बात क्यों कही गई? ये बात कही गई दरअसल पाकिस्तान को लेकर, खास तौर पर पाकिस्तान चाहता है, बिल्कुल वो सदस्य बनना चाहता है, इसके लिए उसने आवेदन भी किया था इस बार भी। हाँ। इस बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पहले भी कर चुका है पाकिस्तान, 2017 में, बिल्कुल 2017 में वो बैठक भी रूस में हुई थी। हाँ। इस बार भी बैठक रूस में हुई है, इसके पहले 2020 में रूस में बैठक हुई थी, 2020 में कोविड आ गया था, तो उसके बाद से 3 साल ये जो बैठक थी वो वर्चुअली तरीके से हुई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी नेता जुड़े हुए थे और वो बैठक हुई थी 2020 और 21-22। तो ये जो बैठक हुई है 2015 में भी इसने, सॉरी 2017 में भी आवेदन किया था, उस समय भी स्वीकार नहीं किया गया पाकिस्तान को। और इस बार क्यों नहीं स्वीकार किया गया, इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला कारण ये है कि सदस्य जो ब्रिक्स के जो सदस्य हैं उन लोगों में आपसी सहमति नहीं बनी। एक कारण, देखिए आनंद यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है, एक कारण तो ये था, अगर इसको एक्सपर्ट्स की नज़रिए से भी देखा जाए तो दरअसल ब्रिक्स जो है उसमें ब्राज़ील भी है, रशिया भी है, इंडिया भी है, चाइना भी है, साउथ अफ्रीका भी है, और जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसमें 4 देश थे।
इसमें साउथ अफ्रीका नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। तो चार देश जो हैं इस संगठन को बनाने वाले चार देश हैं, और भारत का यही कहना है कि अगर संगठन में किसी को भी आप शामिल करते हो, वो किसी को भी अंदर पार्टी में लेते हो, इस ग्रुप में लेते हो, तो सबका सबकी सहमति होना जरूरी है। बिल्कुल। तो ये जो दो कारण थे पाकिस्तान को न शामिल करने का, पहला कारण तो था कि जो देश के सदस्य थे, जो ब्रिक्स संगठन के समिट के जो सदस्य थे, वो तो सहमति आपसी नहीं बनी। दूसरा, ब्रिक्स देश के जो उभरते अर्थव्यवस्था है उसमें ये पाकिस्तान फिट नहीं बैठता है। हाँ, इस कारण से इसके आवेदन को स्वीकार नहीं किया। लेकिन एक फिटनेस के लिए पीछे, पाकिस्तान की अनफिट होने के पीछे का कारण क्या है? एक कारण ये भी है कि ये तो हम सब जानते हैं कि चाइना और पाकिस्तान का झुकाव चाइना और दोनों का गठजोड़ क्या है, ये हम सब जानते हैं। तो ये एक कारण भी है कि अगर ब्रिक्स समूह की बात की जाए और इसमें अगर चाइना समर्थित ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर वो वही बात हो जाएगी कि हावी होने वाली, यानी कि एक ग्रुप में कोई एक देश अपने समर्थितों के साथ हावी होने की कोशिश करे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये देखिए, ये एक और भी डर है। हाँ। सार्क संगठन, सार्क जो संगठन बनी थी उसको लेकर भी कहीं ना कहीं भारत उसको देखेगा ना, कि जो सार्क में हुआ कहीं इसमें भी ना हो जाए। इसलिए भारत इसलिए और पीछे हट रहा है कि भाई पाकिस्तान को कतई नहीं शामिल किया जाएगा इसमें अभी फिलहाल में। आने वाले भविष्य में क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता है, लेकिन अभी के वर्तमान में उसको, उसके आवेदन को अस्वीकार किया गया इसलिए क्योंकि भाई वो तो पहले फिट नहीं बैठता है। दूसरा, सार्क जो संगठन था, मैं उसके बारे में आपको पढ़ के बताता हूँ। पाकिस्तान के ब्रिक्स में शामिल होने से संगठन की हालत सार्क जैसी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? सार्क संगठन साउथ एशिया देशों में तालमेल बैठाने के लिए बनाया गया था। ठीक है, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका ऐसे सदस्य इसमें शामिल थे। तो हालांकि मतभेद तो बहुत सारे संगठन में होते हैं। हाँ, सही बात है, इतने बड़े। हाँ, तो मतभेद तो रहते ही हैं, लेकिन मतभेद के अलावा भी बहुत सारे जो होते हैं। अब मान लीजिए कि बैठक में किसी गुप्त प्लानिंग का तैयारी हो रही है। गुप्त प्लानिंग मतलब क्या ही, मतलब व्यापार करना, और आपका हो गया कि इसको क्या बोलते हैं, जलवायु परिवर्तन पर भी इस जो संगठन में बैठक हुई, दो तीन सब्जेक्ट पर बात हुई है। तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर के, देश की जो सुरक्षा है उसको लेकर के खास करके ध्यान रखा गया है। रूस अगर इसकी नेतृत्व इस बार किया है इस बैठक का, तो रूस का क्या था? रूस देखिए, दो कारण से वो परेशान है। रूस क्यों परेशान है? पहला तो उसके यहाँ जंग चल रही है, कहीं ना कहीं उसकी भी अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई है, है ना। तो उसको भी, रूस पुतिन को वो भी सुधारनी है, और प्लस देशों से संबंध भी अच्छे करने हैं, है ना। तो देशों से संबंध अच्छे करने हैं और जंग को भी खत्म करना है, और नए गुट को एक प्रकार से साथ में लेने के, क्योंकि ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में भी उन्होंने इस तरीके से, जिस तरीके से इशारा किया था, ऐसा लग रहा था कि पुतिन चाहते हैं कि कई सारे देश जो हैं अब उनको समर्थन करें, क्योंकि वो पश्चिम की तरफ इशारा करके कहते हैं कि पश्चिम ने खूब गलतियां की हैं। बिल्कुल। लेकिन एक चीज और है यहाँ पर कि इस बार रशिया भी कहीं ना कहीं समर्थन में नजर आ रहा है, और इसी बात को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपना बयान दिया है उसमें सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने जोहान्सबर्ग का वो जिक्र किया है कि जोहान्सबर्ग में हमने तय किया था कि जब, इसीलिए उन्होंने कहा है कि सम्मान और एकता अखंडता और ये सबका सम्मान करें। तो ये इसलिए दरअसल उन्होंने ये बात क्यों उद्धृत की है, ये बात उन्होंने इसलिए कही है क्योंकि उन्होंने ये याद दिलाया है रूस को, उन्होंने याद दिलाया है चाइना को, उन्होंने याद दिलाया है ब्राज़ील को और साउथ अफ्रीका को कि हमने मिलकर बैठकर ये तय किया था कि हम आपसी सहयोग से एक दूसरे का सम्मान करते हुए और एक राय होकर निर्णय लेंगे। तो ऐसा मत करने की कोशिश कीजिए कि आप किसी और को, नए को, किसी को शामिल कर लें और वो भी दबाव बना करके। सबसे बड़ी बात, एक दिलचस्प आनंद बात और है, और वो है जो नए सदस्य शामिल हुए ब्रिक्स में, उसको लेकर खास बात यह है कि ईरान और यूएई का अगर देखा जाए तो दोनों के बीच संबंध जो हैं बड़े तलखी भरे, बहुत तलखी टाइप के हैं, लेकिन दोनों को शामिल कर। हाँ, लेकिन अच्छा, ईरान इजराइल में युद्ध चल रहा है, जंग चल रहा है, तो ईरान चाहता था कि सभी मुस्लिम देश एक साथ आ जाएं। एक साथ इसलिए आ जाएं क्योंकि अगर एक साथ आ जाएंगे तो इजराइल पर दबाव बनेगा, है ना। लेकिन अब देखिए इस ब्रिक्स सम्मेलन में लेकिन साथ आ गए हैं दोनों,
साथ आ गए हैं, लेकिन दोनों के बारे में कहा जाता है कि अगर जब बात आएगी किसी के समर्थन की, किसी के साथ खड़े होने की, ऐसी परिस्थिति जब बनती है, कई बार बन जाती है, तो भारत से ज्यादा वो चाइना के समर्थन में रहेंगे। हालांकि सऊदी अरब के भी शामिल होने की बात कही जा रही थी, लेकिन सऊदी अरब अभी उसमें शामिल नहीं हुआ है, उसमें बात अटक गई है क्योंकि सऊदी अरब देखिए वो व्यापार में विश्वास रखता है, ठीक है, वो जंग से एकदम दूर रहना चाहता है, उसके नंबर वन यूएई भी, दोनों का क्या है कि पहले वो व्यापार देखते हैं, क्योंकि वो व्यापार से ही जुड़ा हुआ सब मामला कहीं भी देखेंगे तो व्यापार पर ही बात करते हैं, जंग से हमेशा बचते हैं। इतनी मतलब अभी ईरान ने इजराइल पर हमला किया, ये 200 करीब 200 रॉकेट से रॉकेट दाग दिया इजराइल पर, लेकिन उस पर बहुत सारे देशों का बयान नहीं आया। तो ये चीज ईरान भी समझ गया है कि कहीं ना कहीं अगर मुझे, देखिए ईरान का क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम वो है कि उसको चाहिए न्यूक्लियर प्रॉब्लम, और वो परमाणु बम बनाने के लिए एकदम अभ्यास मतलब एकदम प्रयासरत है, उस पर ही वो काम कर रहा है, घोषणा नहीं हुई उसने, बस घोषणा नहीं, माना नहीं है कि हमारे पास परमाणु बम है, कहा तो ये भी जा रहा है उसके पास है, तो ये एक बात है, एक पॉइंट है। लेकिन एक चीज और, मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी ने यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता की बात ब्रिक्स में कही, और ये तब कही है, ये बहुत 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 बड़ी बात पीएम मोदी ने इस ब्रिक्स सम्मेलन में उठाया है कि भाई हमें यूएन में एकदम चाहिए, जगह चाहिए, चाहिए। ये मांग बहुत पहले से चल रही है, जयशंकर भी उठाते हैं और बार बार उठाते जो है बार बार उठाता है, मंच में भी उठाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चाइना और भारत को साथ में लाने की कोशिश कर रहे थे, और यूएनएससी में चाइना जो है वो अपने वीटो का इस्तेमाल करते हुए नहीं चाहता कि भारत को उसमें शामिल कर लिया। बिल्कुल, हाँ, वो एकदम पीछे हट जाता है जब भी मांग उठाता है एक भारत से, तो ये प्रधानमंत्री ने बातचीत तो की चाइना से, लेकिन एक प्रकार से उसके ऊपर दबाव भी बनाया कि ठीक है आप संबंध तो अच्छे कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कम से कम वहाँ उस मंच पर भी तो हमारे साथ खड़े हुई है, बिल्कुल, बातचीत तो दोस्ती तो तभी दोस्ती तभी बनेगी जब आप साथ आएंगे, और हर मंच पर जब साथ आएंगे, ऐसा नहीं है कि आप ब्रिक्स में अलग व्यवहार दिखा रहे हैं और यूएन में अलग दोस्ती है, तो वो नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि सब मंच पर एक साथ आइए, और मैं आपके उनके फैसले को स्वागत किया है। अच्छा, इस पे चीन का भी बयान आया, चीन का बयान ये है, सी जिनपिंग का बयान ये है कि भाई 5 सालों से जो विवाद चल रहे थे उस पर बैठक करने के बाद 4 साल बाद सीमा समस्याओं का जो समाधान था वो निकल गया आपसी सहमति से, ठीक है। लेकिन उन्होंने साफ साफ बोला है, मतलब चीन की तरफ से ये जो बयान आया है, उन्होंने कहा है कि आपसी विश्वास, आपसी सम्मान और आपसी संवेदनशीलता हमारे संबंधों की नींव बनी रहनी चाहिए, ये पीएम मोदी का कोट है। उसके बाद जब चीन के जो मतलब कि क्या बोलते हैं, चीन की तरफ से जो बयान आता है, चीन का बयान ये है कि उसने इस बयान का स्वागत किया है और सहमति का भी स्वागत किया, और उसने ये विश्वास दिलाया है कि मैं इन सभी बातों पर खड़ा उतरूंगा, खड़ा उतरूंगा, और जो भी सहमति बनेगी, देखिए पाकिस्तान और चीन चाहते हैं कि अब भारत से जुड़े रहना ही फायदा है, क्योंकि अगर देखिए मैं उस दिन भी बोल रहा था कि एशिया में जो मतलब जो एशिया है, रूस क्यों चाहता है कि चीन और भारत एक साथ है, ग्लोबली पावरफुल हो जाएगा ब्रिक्स अगर ये सब साथ में आके खड़े हो जाते, बिल्कुल, तो हाँ ये कहीं ना कहीं दबाव पड़ेगा पश्चिमी देशों का। तो अब देखिए ये जो पूरी बैठक हुई है 2 दिन, ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी, महत्वपूर्ण इसलिए कि सभी की नज़र थी, बहुत देशों का भी बयान नहीं आया इस पर कि इस बैठक में क्या क्या नज़रें सबकी थी, बंद कमरों में बैठक हुई, बहुत अहम फैसले भी लिए गए। लेकिन अब इस फैसले से जुड़ा हुआ तो मामला ठीक है, भारत पाकिस्तान चीन हमने कर लिया, लेकिन अहम मुद्दा ये है कि जंग कब रुकेगी। रूस यूक्रेन का जो जंग चल रहा है वो 2.5 सालों से चल रहा है, तो वो कम खत्म कब होगी। दरअसल एक चीज और है कि तो रूस जो है, मुझे लगता है कि इसका जंग तो ठीक है, साथ में रूस इस जंग की वजह से कई सारे प्रतिबंधों को झेलने का काम कर रहा है, बिल्कुल, तो वो प्रतिबंध जो है उस पे उसको थोड़ी राहत मिले, करेंसी अपनी करेंसी में बिजनेस करने की बात जो है वो भी हो रही है, बिल्कुल, तो ये एक कोशिश है। इसके अलावा वो चाहता है कि साथ में जो सहयोग, लेकिन देखिए चीन रूस का भारत ने व्यापार के मामले में खुलकर सपोर्ट किया है,
खुलकर सपोर्ट किया है। तेल तो सभी जगह बैन है लेकिन भारत उससे ले रहा है और दिल खोल के ले रहा है। दिल खोल के जयशंकर ने साफ कर दिया, जयशंकर जो मेरे भारत के जो विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं उन्होंने साफ बोल दिया कि मेरे लोगों का जरूरत है और मैं व्यापार करूंगा। एक इसमें दिलचस्प बात यह है कि ईरान को भी शामिल किया, ईरान अभी शामिल हुआ और ईरान भी प्रतिबंध झेल रहा है, प्रतिबंध झेल रहा है, ईरान भी चाहता है। कुल मिलाकर आर्थिक फायदे हैं इस, अगर ये देखा जाए तो एक साथ आने के आर्थिक फायदे हैं कि प्रतिबंध जो है, प्रतिबंध जो लगाए गए हैं कहीं ना कहीं। और सबसे बड़ी बात ये है कि चाइना की, अगर सवाल ये उठ रहा है कि चाइना का रुख इतना नरम क्यों हो गया, अभी तक तो भारत को आंखें तरेर रहे थे, लेकिन चाइना के अंदर के हालात जो हैं वो ठीक नहीं है, उसकी आर्थिक स्थिति जो है वो ठीक नहीं है और उसको समझ में आ गया कि भारत को आंखें तरेरोगे आप, बॉर्डर के ऊपर टेंशन बना के रखोगे तो उससे कोई फायदा तो होना नहीं है, क्योंकि भारत ग्लोबली अपने आप में वैसे भी ताकतवर बन रहा है, अर्थव्यवस्था से लेकर के सभी सभी प्लेटफॉर्म पर अगर देखा जाए तो भारत कहीं ना कहीं पायदान की शीर्ष पर पहुंचने का प्रयास कर रहा है और कहीं ना कहीं उसकी जो पायदान है ऊपर ही हुए बड़े ही है। हाँ, तो ये बात बिल्कुल सही है कि देखिए ये फायदा जो है ये भारत फायदे में है और चाइना ये चाह रहा है कि इस फायदे से क्यों ना अपना फायदा किया जाए और टेंशन क्रिएट करने से कुछ होगा नहीं। पाकिस्तान भी ये समझ रहा है कि टेंशन क्रिएट करने से कुछ होगा नहीं। तो कुल मिलाकर ये ब्रिक्स समिट जो है इस मायने में बहुत खास रहा है क्योंकि दुनिया, बार बार हम ये कहते हैं कि दुनिया चलती है बिजनेस से, दुनिया चलती है व्यापार से, न कि युद्ध से दुनिया चलती है, न कि एक दूसरे को आंखें दिखाने से दुनिया चलती है, ना कि बैन लगाने से दुनिया चलती है। तो कुल मिलाकर व्यापार को फोकस में रखकर अब ये सारी चीज़ें हुई हैं, ब्रिक्स की समिट खत्म हो गई है, ब्रिक्स समिट प्लस चल रहा है, अब इसमें अन्य सहयोगी देश जो हैं उनको उनकी भी चर्चा होगी, वो भी शामिल हो रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है समिट के बाद क्या चीज़ें सामने आ सकती हैं, क्या कुछ नया अगर दुनिया के नक्शे पर देखा जाए तो कुछ एक नई परिस्थितियाँ बनने वाली हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल की चर्चा में आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।